चेयरमैन ऑफ मिलिट्री ग्रुप डॉलिस पब्लिक एंट्रेंस कॉलेज। हम आज एकता मंच के अंतर्गत एक कला प्रतियोगिता का आयोजन करना चाह रहे हैं। मैं डॉली पब्लिक स्कूल में मैं डॉली के बारे में छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि डॉली हमारी यंगर सिस्टर है और पापा इसको बहुत प्यार करते हैं। जब ये 3 साल हुई स्कूल जाने की बारी आई तो पापा नहीं चाहते थे कोई इसको डांटे या इसको कोई वैसे समझाए और उन्हें बुरा लगेगा, तो उन्होंने इसी के नाम पर 1986 में और इसकी स्कूल की स्थापना कर दी डॉली कॉन्वेंट स्कूल के नाम से। और ये नर्सरी की पहली स्टूडेंट थी। साथ ही इसके यू आर वेरी लकी। साथ ही पापा ने उसके साथ 60 बच्चे एडमिशन ऑन करे, तो नर्सरी क्लास में पहली साल 60 बच्चे थे हमारे स्कूल में और स्कूल की शुरुआत हो गई। ग्रेजुअली ये अपनी एक ही क्लास बड़ी होती गई और उसके साथ स्कूल बढ़ता गया। 8th क्लास तक पापा ने इसको अपने स्कूल में पढ़ाया। 8th के बाद जब 9th में बारी आई तब उसकी एफिलेशन और बोर्ड्स की आवश्यकता थी, तो बोर्ड हमारे पास नहीं था, तो पापा ने इसको फिर सेंट पैट्रिक्स में एडमिशन कराया और आफ्टर दैट बोले अब मैं स्कूल बंद कर रहा हूँ, मैं आई एम एंड माई मिशन इज कम्प्लीट, मैं अपनी बेटी के साथ इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। अच्छा, टिल द टाइम मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था एंड आई वाज हैविंग नो जॉब एट दैट टाइम। और फिर मैंने पापा से रिक्वेस्ट की पापा आप ऐसा करिए, आपने इतना बड़ा पेड़ लगाया है अब इसको उजाड़िए मत, अब आप हमें दीजिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसमें आगे बढ़ाया, इसके साथ ही आगरा वनस्थली विद्यालय की स्थापना की, किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय, AVMD इंस्टीट्यूट आगरा। तो ये बात तो हमें पता ही नहीं थी कि किसी की ब्रांच है डॉली। इस तरह से 7-8 हम इसने और ब्रांचेस इसकी शुरू कर दी। आज एक वट वृक्ष के अंतर्गत ये स्थापित है जी, बिल्कुल, और 5000 बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। और आज जो बच्चे निकल के गए हैं IAS PCS पायलट आर्मी नेवी, कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें डॉक्टर्स बच्चे ना हो। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, खासतौर से हमारे प्रिंसिपल नुपुर जी को, अपने छोटे भाई मनीष मित्तल जी को, मनीष जी आइए प्लीज, उनके स्टाफ मेंबर्स को जो सहयोग करके इस मुकाम तक पहुँचा रहे हैं। और डॉली तो चुकी उसकी नीवी रखी गई है तो उसके लिए कुछ कहना तो सूरज को दिए के समान सही बात है। तो फिर भी थोड़ा सा तो मैम से हम जा रहे हैं, जो इतने बच्चे आगे निकलते हैं मैं देखती हूँ रिजल्ट्स के, तो सारे अपनी एक सक्सेस स्टोरी लिख रहे हैं और वही बुक है जो पापा का मेन विजन था वो पूरा हो रहा है। एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर टू कम बैक हियर एज भैया ने जैसे बताया, आई एम द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल और जब भी मैं आती हूँ तो मुझे सारा फ्लैशबैक आता है, सब कुछ याद आता है, मेरे चाइल्डहुड की मेमोरीज हैं यहाँ पर, बहुत कुछ है, बहुत एक अच्छा टाइम निकाला है मैंने यहाँ पर, पढ़ाई करी है बहुत सारे, इस स्कूल को हमने सेटल होते हुए देखा है बिकॉज वी वर लाइक द फर्स्ट वंस। बहुत एक रूम से पापा ने शुरुआत की थी, कैसे कैसे उसको आगे बढ़ाया, कैसे कैसे हम क्लास के साथ आगे बढ़ते गए, डेवलपमेंट्स हमने खुद से होते हुए देखे हैं। तो मेरा एक जो मानना है, जो मेरा फर्म बिलीफ है और जो मेरा मैसेज है, फ़र्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहे हो, कितने पॉश पॉश वाली जगह पर जा रहे हो, फ़र्क ये पड़ता है कि आप कितनी क्वालिटी वाली जगह पर जा रहे हो। एज अ स्टूडेंट आप कितना अपनी विल पावर लेकर जा रहे हो वहाँ पर पढ़ने के लिए, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका अपना विजन क्लियर होना चाहिए, आपको क्या करना है, आपको लाइफ में एक टारगेट रखना चाहिए और जो जहाँ भी आप पढ़ रहे हो वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ आपका सपोर्टिव होना चाहिए जो आपके विंग्स आपके ड्रीम्स को विंग्स दे सके। यू नो यू शुड गेट दोज विंग्स फॉर योर ड्रीम्स टू मेक यू फ्लाई एंड दैट इज़ व्हाट आई कुड डू। आई हैड दैट फर्म बिलीफ इन माय फादर, ही एस्टैब्लिश्ड दिस एंटायर सेटअप ओनली फॉर मी एंड विदाउट हैविंग दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज इन एजुकेशन इन दिस क्लब एंड इट वर्क्स। चलिए जान लेते हैं अब निशीष राज मैम से, जो कि हमारी आगरा की जानी मानी सिंगर हैं, अधिकतर हम इनको देखते ही रहते हैं और इनकी आवाज़ के हम बहुत बड़े फैन हैं। तो मैम आप देख रहे हो डीएम ब्लॉगर आगरा, स्वागत है आपका डीएम ब्लॉगर आगरा में। अब मैम से जानेंगे आप ही के शब्दों में कि आप आगरा की एक जानी मानी हस्ती हैं, सबको पता है आपकी आवाज़ में वो जादू है जो लोगों के दिलों को जीत लेता है, तो प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज दीजिए। देखिए अभी मैंने डॉली जी का जो आपने उनसे प्रश्नावली जी जी बिल्कुल हाँ उनके सामने प्रस्तुत की, उसके उत्तर में प्रत्युत्तर में जो उन्होंने जवाब दिए, तो आई एम वेरी मच ग्लैड टू लिसन टू हर। कि सबसे बड़ी बात तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आज का हमारा समाज जो है वो आत्म केंद्रित होता चला गया, सेल्फ सेंटर्ड है सब लोग, अपने ही लाभ के लिए अपने ही स्वार्थ के लिए सब लोग सोच रहे हैं,
तो वहाँ पर तो इस विद्यालय की जो नींव रखी गई है वहाँ तो इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है। वहाँ देखिए अपने बच्चे का तो सोचा ही गया, साथ ही साथ जो और समाज के बच्चों के बारे में सोचा गया, इट इज़ अ वंडरफुल थिंग। और मैं तो ये कहूँगी कि इस तरह के प्रयास समाज में होने चाहिए। यस, और बच्चों के लिए आज के जो मैं देख रही हूँ जिस कॉम्पिटिशन के लिए जिस प्रतियोगिता के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, वहाँ बच्चों के छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अंदर बहुत सारी स्किल्स होती हैं, है ना, और ये छुपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करना ही हम शिक्षकों का विद्यालयों का कार्य होता है। और ये प्रयास जो आप कर रहे हैं ये सच में बहुत ही अच्छा है और इसको मैं साधुवाद देना चाहूँगी और इसी प्रयास में लगातार चले लगे रहे आप लोग। बहुत अच्छी बहुत शुभकामनाएँ आपको, बहुत बहुत थैंक यू मैम। स्वागत है आपका भी सर डीएम लोगर आगरा में। कुछ कम शब्दों में आप भी हमारे व्यूअर्स से कुछ मतलब मैसेज दीजिए कोई, ताकि समाज को एक मैसेज जाए तो आपसे जानेंगे हम। जी जी बच्चों की समर्स टाइम में इस तरह की प्रतिभा को कराना और उनको दिखाना बहुत बड़ा काम है। और इस मौके पर आज हमारे लॉरेंस पब्लिक इंटर कॉलेज के कई विद्यार्थी लॉरेंस मित्तल भी उपस्थित हैं, ये और भी है हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो पूरी टीम का एकता मंच का कलाकता मंच द्वारा एकता मंच का लॉरेंस पब्लिक इंटर कॉलेज का सभी का बहुत सहयोग। धन्यवाद। आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी एक्साइटमेंट में बच्चे बैठे हुए हैं, ड्राइंग कॉम्पिटिशन लेकर बच्चे बैठे हुए हैं। ड्राइंग कॉम्पिटिशन का भी एक मेन उद्देश्य हमने रखा हुआ है फादर्स से, जैसा कि हम देखते हैं कि मदर्स को आजकल बहुत ज़्यादा वरीयता मिल रही है हर क्षेत्र में, माँ 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 मेरे जीवन है, लेकिन ये संभव नहीं है। अगर पिता नहीं तो माँ का अस्तित्व ही नहीं है, और बच्चों को तो क्या ही कहना। तो आज हम बच्चों को दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं फादर्स की इम्पोर्टेंस उनकी लाइफ में। आज बच्चे विभिन्न तरह की अपनी कलाएं प्रस्तुति देंगे, इसमें फिल्म मॉडलिंग भी दिखाएंगे, बच्चे को नृत्य प्रस्तुति देंगे और बाकी फादर के प्रति जो भी उनका भाव है प्यार है, दो दिन बाद जो फादर से आने वाला है उसमें अपने फादर को गिफ्ट यहाँ से जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं जो गिफ्ट के तौर पर देंगे, और कुछ चयनित कलाकारों को हम प्राइज यहाँ पर देने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉन्सोलेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड दो ग्रुप हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, जूनियर वर्ग फर्स्ट से फोर्थ क्लास और सीनियर वर्ग फिफ्थ से एट्थ क्लास। इसमें सभी के लिए सर्टिफिकेट्स हैं सभी बच्चों के लिए, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रहेगा कॉन्सोलेशन। कुछ बच्चे निराश हो जाते हैं केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड को ही क्यों, अच्छा लेकिन उनके लिए भी रखा हुआ है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जैसा कि जिसके नाम पर ये स्कूल है, आज डॉली दीदी डॉली निकल खुराना भी हमारे साथ रहेंगे, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बच्चों को
आद्या शर्मा डॉटर ऑफ संदीप शर्मा। आद्या का मुद्दा है Very nice.